सवा अरब लोगों का विशाल देश भारत इन दिनों एक नई मुहिम में लगा है। मुहिम अपने देश को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की। उत्तराखंड के शहर भी इस मुहिम में देश के अन्य शहरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़े हैं। कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी ने इस मुहिम में एक नया मुकाम पा लिया है। हल्द्वानी नगर निगम ने शहर में जहां तहां बिखरने वाले कूड़े से होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए भूमिगत कूड़ेदान लगवाने शुरू किए हैं। हल्द्वानी नगर निगम के अधिकारियों को इस प्रयोग की प्रेरणा स्वीडन से मिली। दरअसल हल्द्वानी नगर निगम के उप मुख्य नगर अधिकारी नीरज जोशी स्वीडन के दौरे पर गए। वहीं उन्होंने इन अंडरग्राउंड डस्टबिन और उसकी कार्यप्रणाली को देखा। उप मुख्य नगर अधिकारी ने भारत लौटने पर हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला और अपने सहयोगी अधिकारियों से इस प्रोजेक्ट की चर्चा की। यह आइडिया सभी को पसंद आया और इस तरह शुरू हुई हल्द्वानी को साफ और स्वच्छ बनाने की एक नई मुहिम। इस मुहिम को साथ मिला भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन का। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए ऐसे 6 डस्टबिन्स मंगाए गए जिन्हें हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली सड़क पर लगाया गया, क्योंकि इस सड़क से होकर बड़ी संख्या में पर्यटक गुजरते हैं। इन अंडरग्राउंड डस्टबिन्स का मुख्य हिस्सा जमीन के भीतर होता है। हाई डेंसिटी प्लास्टिक कंटेनर को जमीन के भीतर रख दिया जाता है। इसके बाद एक प्लेटफॉर्म तैयार कर डस्टबिन्स के ऊपरी हिस्से को वहां फिट कर दिया जाता है। इस डस्टबिन की बनावट ऐसी है जिसमें आम आदमी डस्टबिन में कूड़ा डाल सकता है। इसके बाद यह कूड़ा अंडरग्राउंड कंटेनर में चला जाता है। डस्टबिन की ऐसी व्यवस्था से कूड़े की दुर्गंध डस्टबिन के पास खड़े होने पर भी आप तक नहीं पहुंचती। अंडरग्राउंड कूड़ेदानों के लगने से पारंपरिक कूड़ेदानों के इर्द गिर्द होने वाले कूड़े का बिखराव भी खत्म हो गया है। आमतौर पर खुले कूड़ेदानों के आसपास भोजन की तलाश में जानवरों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन अंडरग्राउंड कूड़ेदान लगने के बाद ये समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। इन भूमिगत कूड़ेदानों से कूड़ा निकालने की व्यवस्था भी मशीनों के हवाले है। इसके लिए विशेष तौर पर क्रेन माउंटेड ट्रक तैयार कराए गए हैं। डस्टबिन का ऊपरी प्लेटफॉर्म खोलने के बाद कंटेनर को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जाता है। इसके बाद इस कंटेनर में मौजूद कूड़ा ट्रक में डाल दिया जाता है। मशीन की ही मदद से इस कंटेनर को जमीन में बने सांचे में फिट कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म को लॉक कर दिया जाता है। शहर में लगे इन अंडरग्राउंड डस्टबिन का प्रयोग करने वाले लोग नगर निगम की इस पहल का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। पहले जहां कूड़े के खुले कंटेनर से उठने वाली बदबू और आसपास फैली गंदगी से वहां खड़ा होना भी मुश्किल था, तो वहीं अब इन डस्टबिन के पास खड़े होने पर पता भी नहीं चलता कि आप कूड़े के ढेर के पास हैं। हल्द्वानी नगर निगम शहर में कई और अंडरग्राउंड डस्टबिन्स लगाने की तैयारी हो रही है। स्वच्छता की ओर बढ़ते हुए हल्द्वानी में जल्द ही 34 करोड़ की लागत से इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग परियोजना का भी आरंभ होने वाला है। हल्द्वानी नगर निगम की कोशिश के लिए उसे राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हल्द्वानी नगर निगम की कोशिशों की झलक नगर निगम परिसर और जिला अधिकारी नैनीताल के हल्द्वानी आवास की दीवारों पर भी दिखती है। नगर निगम परिसर के गलियारों से लगाकर अधिकारियों के कमरों तक में सफाई का संदेश देने वाली पेंटिंग्स आपको नजर आ जाएंगी। यहां तक कि एक कमरे में दीवार पर ही पूरा संदेश लिखा नजर आएगा। ये पेंटिंग्स स्वच्छ भारत मिशन थीम के तहत जागरूकता फैलाने के मकसद से आयोजित पेंटिंग कंपटीशन में बच्चों ने बनाई हैं। बच्चों की इन पेंटिंग्स को फ्रेम कराकर पूरे परिसर में दीवारों पर टांग दिया गया।
खुले में शौच की प्रथा को खत्म करना, सामुदायिक और सामूहिक शौचालयों का निर्माण भी स्वच्छ भारत मिशन के प्रमुख अवयव हैं। इसी के तहत हल्द्वानी में सामुदायिक और हाईटेक शौचालयों का निर्माण भी कराया जा रहा है। साफ सुथरे और आधुनिक शौचालयों के निर्माण से शहर में स्वच्छता की एक नई पहल हुई है। अपने शहर को साफ रखने की हल्द्वानी की ये कोशिश पूरे राज्य का मान बढ़ा रही है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरित ये पहल न सिर्फ तकनीक और व्यावहारिकता का समन्वय है, बल्कि समाज में व्यवहारिक बदलाव भी ला रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने शहर को स्वच्छ बनाने में लगे हल्द्वानी की ही तरह राज्य के अन्य शहरी निकाय भी अब नई मुहिम की तैयारी में हैं। हल्द्वानी ही नहीं, साफ और स्वच्छ होगा उत्तराखंड का हर शहर।